तो ये है एपेक्सर का 12x24 मैक्रो लेंस। ये 2-in-1 मैक्रो लेंस है, बहुत ही अच्छा मैक्रो लेंस है। मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रहा हूँ और यूज करने के बाद आपको बोल रहा हूँ, इसका इमेज आउटपुट बहुत ही अच्छा है। अगर आपके फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा है और इसके ऊपर प्राइमरी कैमरे पे आप इस लेंस को यूज कर रहा हो तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। 12 और 24 दोनों का आउटपुट बहुत ही अच्छा है। तो रिव्यू शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो अब शुरू करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, 12x24 मैक्रो लेंस, 2-in-1 मैक्रो लेंस। एक्चुअली बॉक्स पे ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा इधर उधर का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है जिपर केस और यहाँ पर पीछे 12 और 24 मैक्रो लेंस से खींचा हुआ कुछ फोटोज दिया गया है जो मैं आगे चल के आपको बहुत सारे दिखाऊंगा। और इस साइड पे थोड़ा और कुछ स्पेसिफिकेशन है जो हम डिटेल में अंदर जाके देखेंगे। तो आप इसको बाहर निकलते हैं। तो ये है इसका केस। इसका केस का क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ भी बोलो, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। देखो इसका एक्चुअल प्राइस है 9, लेकिन मैं इस केस के साथ इसको लिया था, इसीलिए मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। मतलब अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो एक प्लास्टिक सा कवर सा केस आपको मिलता है और वहाँ पर ऑप्शन आया था। मैं जब खरीदा था तो ऑप्शन आया था कि अगर तुम एक्स्ट्रा इस केस के साथ इसको लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने किया, लेंस मेरा अच्छा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, इसलिए मैं इस केस को लिया। और कैरी करने में भी आसानी रहेगा। तो अगर आप इसको खरीदते हो तो जरूर चेक कर लेना कि आपको कौन सा वाला केस मिल रहा है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस केस के साथ ही इसको लो, क्योंकि आपका जो लेंस है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आप apexl.in से आप इसको खरीद सकते हो। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप वहां से परचेस करना चाहते हो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, लेकिन पहले आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा कैश ऑन डिलीवरी लेने के लिए। मतलब 1000 रुपया में से पहले आपको 200 रुपया उनको पे करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो आप कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकते हो। तो अब हम मेन जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलते हैं। तो आप मेन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इस केस का क्वालिटी मैंने तो आपको बता दिया, और ये जिप का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो तो ये जो क्लिप है, इसका जो क्लिप है, इसको आप बहुत ही कम में ले सकते हो, कहीं पर भी आप इसको टांग सकते हो। तो आप इसको खोलते हैं। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। आपको इसके साथ एक बहुत ही अच्छा क्लीन सॉफ्ट सा क्लोथ मिलता है इसको साफ करने के लिए। और यहाँ पर है हमारा मेन लेंस, ये है 12x मैक्रो लेंस और ये है 24x मैक्रो लेंस। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद ये 12x होता है। आप इस वाले 12x को अकेले में यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो है इसको आप सिंगल यूज नहीं कर सकते, इसको आपको इसके साथ ही लगा के यूज करना पड़ेगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको लगा के यूज नहीं कर सकोगे, अगर आप इसको सिंगल लगाते हो तो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्शन मिलता है और पिक्चर बहुत ही खराब आता है। तो फाइनली या तो आप 12x यूज करो या फिर 12x के साथ इसको लगा के 24x यूज करो। अगर आप इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पहली नजर में आपको ये मेटल जैसा लगेगा, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये एल्यूमिनियम एलॉय। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम सा लुक देता है। और यहाँ पे आपको जो 12x मैक्रो लेंस मिलता है उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 सेमी, और जो 24x मैक्रो लेंस है उसका डिस्टेंस और भी कम हो जाता है 1 सेमी, जो कि बहुत दिक्कत देता है। अगर आप किसी कीड़े मकड़े के फोटो लेना चाहते हो तो उसके बहुत ही पास जाके फोटो लेना पड़ता है। और एक बात इस लेंस का मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है इसका जो बैकग्राउंड ब्लर, ये बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है। जब मैं आपको सैंपल फोटोज दिखाऊंगा आप देख लेना, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है। और इसका जो क्लिप का क्वालिटी है ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्ड है और बहुत ही सही पकड़ है इसका। तो अगर आप इसको फोन पे लगाते हो तो किसी भी हालत में ये हिलेगा नहीं। और यहाँ पे कुछ पतला सा रावर टाइप दिया गया है जिससे आपको स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं आएगा। तो यही सब कुछ था जो भी मैं अब तक बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हो इसका क्वालिटी कैसा है। और पिक्चर्स का अच्छे एक्सपीरियंस लेने के लिए वीडियो को 1080p कर दो और उसके बाद देखो। और मैंने अपनी Redmi Note 5 को यूज करते हुए ये सब पिक्चर्स लिए हैं। और ऐसा करता हूँ आपके पास इससे भी अच्छा मोबाइल हो और अगर उस पे ये लेंस यूज करते हो तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पिक्चर आप ले सकते हो। तो अगर आपको ये सारे पिक्चर्स और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब अभी कर दो। थैंक यू।